Hey everyone, welcome to Chirkut Study Channel. तो क्या हाल चाल है सब लोग के? तो भाई जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सीबीएसई ने पेपर लीक कर दिए। देखो यार, काफी सारे बच्चे इतने ज्यादा भावुक हैं, उनको ये लग रहा है कि जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर अभी रिसेंटली मतलब कि अपनी वेबसाइट पे डाले हैं हर सब्जेक्ट के, उनको ये लग रहा है कि पेपर सेम टू सेम वैसा ही आने वाला है। तो उन लोग का भाई एक छोटा सा मतलब समझ रहे हो मिसकॉन्सेप्शन दूर करना चाहता हूँ कि भाई वो पेपर नहीं है। याद रखना, सैंपल पेपर आप लोग को बताता है कि किस तरीके से आप लोग का एग्जाम पेपर आएगा, ये नहीं बताता है कि सेम टू सेम ही पेपर है। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें समझ में आए होंगे आप लोग। तो सीबीएसई ने सभी सब्जेक्ट्स के लिए अपने अपने सैंपल पेपर अपलोड कर दिए उनकी वेबसाइट में। मैं आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे पीसीएम से हो, कॉमर्स वाले हो या पीसीबी वाले हो या आर्ट्स वाले हो, कोई भी हो, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सब्जेक्ट वाइज आप लोग को पूरा मिल जाएगा। अब एक और चीज़, जैसे कि मैंने थोड़ा बहुत एनालाइज करा कि फिजिक्स में मैंने ये चीज़ देखा कि यार असर्शन और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, केस स्टडी वाले भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हो सकता है सीबीएसई कुछ ना कुछ तो आप लोग के लिए मज़ेदार सा चाह रहा है। और याद रखना, पेपर तो हमें देना ही है, पहले भी हम देते थे, अभी भी हम देते हैं। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स में चेंजेस आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो पढ़े सब खराब हो गया। जो पढ़े हो वो करके आओगे, ठीक है, चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करो, एक बार एनालाइज करो खुद से, देखो किस तरीके से क्वेश्चंस डिवाइड करे गए हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, मैथमेटिक्स के हो, फिजिकल एजुकेशन के हो या फिर इंग्लिश के हो, सभी को यहाँ पे सिस्टमेटिकली बनाया गया है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हुए चलो, सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और ये मत सोचना कि जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है वही आप लोग को डायरेक्टली आने वाला है बोर्ड्स में। तो कई लोग ये सोच रहे हैं, अरे चार महीने पहले पेपर हमारे पास आ चुके हैं, बस चार महीने से वो प्रैक्टिस करो। ऐसा नहीं है भाई, वो एक आप लोग का एक जरिया है कि इस तरीके का पेपर आप लोग का आने वाला है। ये मत सोचो कि सैंपल पेपर ही आने वाला है। तो अपनी पढ़ाई जारी रखो, और अगर आप लोग चाहते हो कि एक डिटेल एनालिसिस मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करूं फिजिकल एजुकेशन का, और चाहते हो कि फिजिक्स के लिए भी मैं एक डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड करूं आप लोग को, तो कमेंट बॉक्स में फटाफट सभी लोग बता देना। कल संडे है, तो कल संडे के दिन हम लोग हो सके तो उसको करने की कोशिश करेंगे आप लोग के साथ लाइव, अपने ही चैनल पे लाइव क्लास रहेगी तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और तो क्या आप लोग रेडी हो तो बता देना मुझे, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप लोग सिंपली लिंक ओपन करो, वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। पूरे के पूरे आप लोग को सब्जेक्ट वाइज आप लोग को पूरी पूरी चीज़ें दिख जाएंगी, बाजू में आप लोग को मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइडेड है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यहाँ तक कि छोटा मोटा डाउट क्लियर हुआ हो। प्लीज़ इसको हवा मत बना लेना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बच्चों के ग्रुपों में ट्रेंडिंग हो रहा है कि भाई पेपर आ गया है, पेपर आ गया है। पेपर नहीं आया है, एक तरीका आया है कि किस तरीके का पेपर आने वाला है। प्रिपरेशन अपनी रखो सही तरीके से और फोड़ गया। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।